देखो भाई, रानी खुद तो बहुत लंबी है, अभी मैं तो बहुत छोटी सी हूं, तो देखो मैं कैसे डब्बे उतारूंगी। देखना, देखो डब्बे लगाने का तरीका, देखो इसका कितना मस्त डब्बे लगा रही हो। ये देखो, आपने लगाए कभी ऐसे डब्बे? प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए कितने अच्छे से डब्बे लगाए, सफाई पूरी किचन की कर दिया रही है। दोबारा ऐसे मुझे पूरे डब्बे फटाफट फटाफट लगाने पड़ेंगे खुद से। देखिए लीजिए, जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे ना, तो इस तरह से मूंगफलियों को हल्का सा भिगो के एक कुकर में या तो सीटी लगा लीजिए या थोड़ा सा उबाल लीजिए। इसमें नमक मिर्च मसाला, चाट मसाला और प्याज, हरी मिर्ची वगैरह, खीरा वगैरह काट के डालिए। और आपको अगर हल्की फुल्की भूख है तो इसको खाइए, देखिए आप कितनी टेस्टी लगती है। बहुत बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो खाती हूँ। लाजवाब, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। पक चुका है हमारे यहाँ, और देखो कैसे खा रही है बंदर, ए बीच में आ गई। देखो यहाँ पर ना कटहल पक चुका है, देखो कटहल पक गया, और देखो कैसे खा रहा है बंदर। देखो देखो, ले गई ऊपर, क्योंकि वो शेरनी लग गई ना उसके पीछे, तो लग गई। देखो कितना सारा कटहल ना नीचे गिरा दिया है ना, ये पका हुआ है पूरा, और इसकी स्मेल इतनी होती है ना बहुत ज़्यादा, और इसी को खाने के लिए ये लोग आ रहे हैं आजकल। और देखो हमारी शेरनी कैसे भौंक रही है उसको, वाह 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 वाह। ये नहीं, इनको नीचे नहीं, देखो 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 देखो, बंदर का कमाल, देखो देखो शेरनी को कैसे डरा रहा है। नीचे शेरनी है हमारी। देखिए मैं बना रही हूँ गाइस लौकी, और ये लौकी की जो रेसिपी है, ये लौकी की रेसिपी है दरअसल मथुरा की। मेरे पड़ोसी थे तो वो लहसुन प्याज बहुत कम खाते थे, क्योंकि मथुरा में लहसुन प्याज बिल्कुल, मतलब बहुत ही कम खाया जाता है। तो ये वहाँ की रेसिपी है, तो ये मेरे पड़ोसी बनाते थे। तो मैंने इसे छोका है सिर्फ, थोड़ा सा तेल सरसों का, थोड़ी सी मेथी दाना और थोड़ा सा जीरा पाउडर। देखिएगा गाइस, देखिए गाइस मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, और ये है मथुरा स्टाइल। मथुरा में लहसुन प्याज बहुत कम खाया जाता है, इसलिए मैं बना रही हूँ मथुरा की ही रेसिपी, क्योंकि मैं ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ तो ज़्यादातर मैं उधर की रेसिपी इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए इसमें मैंने 2 चम्मच डाला है सरसों का तेल, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा, और मैं इसको मैंने हल्का सा भून लिया है 2-3 मिनट ऐसे लौकी को डाल के। अब मैं इसमें करूँगी मसाले ऐड, तो आप देखिएगा मैं कैसे मसाले डालती हूँ। हल्का सा मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये देखिए कश्मीरी मिर्च, और इसको कर दूंगी मैं मिक्स। बहुत कम मसालों में बहुत अच्छी सब्जी बनती है, ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो देखिए गाइस, ये आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मैं हरी मिर्च डाल दूँ चॉप कर, बारीक बारीक करती हूँ। तो देखिए बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है डेली वाली, मुझे प्लीज़ बताइएगा। डेली ब्लॉग में इस तरह की रेसिपी डालती हूँ, आप भी बनाइए खाइए। और पराठे पूरी, यहाँ तक कि इसको आप चावल के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। वहाँ ये मथुरा में ज़्यादातर पराठे के साथ खाई जाती थी। तो देखिए लौकी मेरी, बस मैं इसको कुकर को बंद कर दूँगी। पानी इसमें, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो पानी डालिए, नहीं ग्रेवी चाहिए, सूखी चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा ढक्कन लगा दीजिए, तो मेरी लौकी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए गाइस मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि मैं इसको चावल के साथ इस्तेमाल करने वाली हूँ, और लगा दूँगी कुकर का ढक्कन। देखिए मैंने लगा दिया है कुकर का ढक्कन, और ये बनके तैयार हो जाएगी 15-20 मिनट में। तो देखिए गाइस, से लाई हूँ मैं मटरा की चाट, यानी कि देसी ब्लॉक, और यह है हमारी यूपी की चाट। तो मैं इसमें क्या क्या डालूँगी आप देखिए, इसमें डालूँगी मैं मसाले, यानी कि मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और सफ़ेद नमक, मैं सारे मिक्स कर दूँगी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी प्याज, ये सब आप स्वाद के अनुसार डालिए, थोड़ा सा कटा हुआ खीरा चॉप किया हुआ, और थोड़ी हरी मिर्ची। अब मैं इसमें डालूंगी ये इमली पाउडर,
सॉरी इमली का रस, आपको कितना खट्टा चाहिए उस हिसाब से आप इसको लीजिएगा। देखिए तो मैंने ये डाल दिया है, अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। लीजिए मैंने ये बना दी है, आप भी इसको स्वाद अनुसार घर में तैयार कीजिए। ये हमारे यहाँ यूपी में ठेले पे मिलती है और बहुत टेस्टी लगती है। जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ मेरठ की, तो मैं इसको खाती हूँ और आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए। आपकी मम्मी भी क्योंकि पानी आ गया होगा खट्टा चटपटा देख के, तो आप भी बनाइए इसको मटर चाट को। मेरी डेली व्लॉग देखते रहिए और आपको ऐसी रेसिपी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच में बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा। आप भी खाइए, आप भी बनाइए। आज मैंने बनाया है केक, तो देखो कितना अच्छा बनाया है। स्पॉन्जी मैंने एक पीस निकाल भी, एक पीस मैंने निकाला भी है, हालांकि ये अभी गर्म है इसलिए ना मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। देखो पूरा स्पंज। तो मैं बहुत दिन से परी कह रही थी केक बनाओ मम्मी केक बनाओ, तो मैंने आज ही केक बना दिया इसके लिए। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, देख खा के परी को खिला, देखा कैसा लग रहा है परी खा के देख। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, चलो भाई आज केक बन गया। बहुत बहुत दिन से कहती मेरी दीशु को, तो भाई आज बनाया है मैंने केक और दीशु खा रही है केक। दीशु कहती बहुत दिन से मम्मी केक खाना है केक खाना है, केक बनाओ। कैसा बना परी? बहुत यम्मी, बहुत ज्यादा। देखो कितने मस्त होके केक खा रहे हैं। देखो दीशु बता रही कितना बढ़िया बना है ये केक। तो दोनों बहन भाई लगे पड़े हैं, सिद्धू भी खा रहा है। देखो सिद्धू कैसे बना, क्या हूँ क्या होता है, अच्छा है। गूंगे बच्चे देखो, मेरी परी है बहुत मस्त कर रही है। देखो सिद्धू कैसे खा रहा है, आ हा हा दावत हो गई आज तो भाई, इनकी दावत हो गई रे। देखो आय हाय हाय हाय, उसी में ही लगे पड़े। मैंने सामने वाली को भी जल्दी भिजवा दिया, मैंने कहा नहीं तो ये झपट्टा मारेंगे बच्चे। कर रही हूँ अब अपना ब्लॉग बंद, तो प्लीज़ चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं देश के कोने कोने में रहूँगी, जैसा कि मैंने बताया अभी मेरी पोस्टिंग बिनागुड़ी में है, वेस्ट बंगाल। आगे मेरी पोस्टिंग कहाँ होती है मुझे खुद भी नहीं पता है, तो मैं वहाँ की भी चीज़ें दिखाऊँगी। तो ये देश के कोने कोने की वीडियो है, आप ये समझ लीजिए। तो मैं करती हूँ व्लॉग बंद, क्योंकि मुझे ना सिद्धू को पीटना है और वो भी चप्पल उठा के। तो मैं करती हूँ व्लॉग बंद, गुड नाइट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बोलो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक शेयर। ओके गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय गर्ल्स, राधे राधे, थैंक यू सो मच।